हेलो फ्रेंड्स मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम जॉन मिल्टन के टॉप फिफ्टी क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर चलते हैं ये है जॉन मिल्टन का टॉप फिफ्टी क्वेश्चंस का फिफ्थ वीडियो है इसके पहले के हम फोर वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं ये सिक्स वीडियो है आपका जॉन मिल्टन का इसके पहले हम फाइव वीडियोज में टू हंड्रेड कर चुके हैं तो इसमें जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ से आपके जो आंसर्स हैं वो हाईलाइटेड हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन कर निम्फ सैबरीना अपीयर्स इन तो ये है सैबरीना जो है वो कामस में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन द असल्ट फर्स्ट क्वेश्चन द्वारा देख लीजिए करें फर्स्ट क्वेश्चन टू फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर कहता है टू फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन द कैरेक्टर निम्फ सैब्रिना अपियर्स इन कॉमर्स यानी सैब्रिना जो है वो कॉमर्स में कैरेक्टर आती है आगे बढ़ते हैं कोटेशन कहता है वन द एसॉल्ट वज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनेट ये एक सोनेट है और किसके द्वारा लिखा गया सोनेट है कहे इस सोनेट नंबर ये सोनेट नंबर क्या है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है इस सोनेट का नंबर क्या है वैन द एसॉल्ट वज इंटेंडेड टू द सिटी तो यह सोनेट नंबर एट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन है कथा साली ट्यूट समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी थ्री करूड सम्स इज द बेस्ट सोसाइटी अपीयर्स इन ये कोटेशन किस जो है बुक में आता है तो पैराडाइज लास्ट का जो है ये कोटेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिफ्टी फोर कथा वट डज ईव डू व्हेन सी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस इन पैराडाइज लास्ट यानी ईव उस समय कब क्या कर रही थी जब वो जो है सचेत होती है यानी उसे होश आता है तो लुक्स हर रिफ्लेक्शन इन आ स्ट्रीम वो जो है एक झरने में यानी जर... धारा में या झरने में कह सकते हैं अपनी जो है रिफ्लेक्शन देख रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिफ्टी फाइव कहता विच एंजल डटन ट्रिक बाय डिस्गाइज़ हिमसेल्फ एज अ चिरप यानी चिरप का जो है डिस्गाइज करके सैटन जो है किस एंजिल को जो है ट्रिक करता है तो वो जो है यूरियल था नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिफ्टी सिक्स कोटेशन है आई डू नॉट थिंक दैट ओनली मॉडर्न मैन अनलेस इन अ फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीविसनेस इवर डिनाइड मिल्टंस कॉन्ज्यूमेट पावर्स कहता है यह जो है व्यूज मिल्टन के बारे में मिल्टन की पोएट्री के बारे में ये विचार किसके हैं तो टी एस एलियट के विचार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिफ्टी सेवन क्या मिल्टन वाज बीइंग पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिनेसा स्पिरिट एंड पोएट्री? ऑफ मिल्टन जो थे वो विशेष रूप से रिनेसा स्पिरिट और पोएट्री से जो है इन्फ्लुएंस्ड uh, थे और किसकी पोएट्री से तो एडमंड स्पेंसर थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता हुज ब्यूज इज दिस अबाउट मिल्टन मिल्टन के बारे में ये विचार किसका है तो थॉट है कहता सच इज़ द पावर ऑफ हिज पोएट्री दैट हिज कॉल इज ओबेट विदाउट रेजिस्टेंस तो यह जो है बात सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के बारे में कही है नेक्स्ट क्वेश्चन है कह व्हाट इज व्हाट इन मी इज डार्क एल्यूम व्हाट इज लो एंड सपोर्ट यह लाइन कहाँ आई है तो है. Illumine, ये पैराडाइज लास्ट की लाइन है यानी व्हाट इन मी इज डार्क एल्यूमाइन व्हाट इज लो रेच एंड सपोर्ट यह लाइन पैराडाइज लास्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन है कह द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज द मून यह लाइन कहाँ की है तो ये लाइन सैमसंग गोनिस्ट की है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू का द कलर ऑफ द फार्बिनेट फ्रूट वाच फार्बिनेट फ्रूट का जो कलर था वो कैसा था तो रेड था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एन इपिक ऑन मिल्टन मिल्टन के ऊपर एक इपिक किसने लिखा है तो विलियम ब्लैक ने नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज लास्ट वाज रिटर्न ऑन द मॉडल ऑफ पैराडाइज लास्ट जो इपिक है वो किसके मॉडल पर लिखा है तो इन के मॉडल पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाइड्स बींग अ राइटर मिल्टन वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन यानी एक लेखक होने के अलावा जो है मिल्टन की रुचि किस में थी तो म्यूजिक में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस नेम ऑफ पैराडाइज लास्ट वाज यानी पैराडाइज लास्ट का जो है शुरुआती नाम क्या था तो द फॉल ऑफ मैन शुरुआती नाम जो है पैराडाइज लास्ट का था द फॉल ऑफ मैन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिक्स है इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन कंपेयर टू यानी पैराडाइज लास्ट की बुक फर्स्ट में मिल्टन ने जो है सेटन की तुलना किससे की है तो लेविया से की है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिक्सटी सेवन कामस वाज रिटन इन सिक्सटीन थर्टी फोर कामस जो था कामस जो रचना थी वो 1634 में लिखी गई थी व्हाट वुड बी दब टाइटल ऑफ दिस वर्क यानी कामस का सब टाइटल क्या था तो आंसर हो जाएगा ट्रम्प द ट्रम्प ऑफ वर्चू नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलाक एंड बेलियल मोलिया मोलाक एंड विलायल अपियर इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट एंड बुक यानी जो मोलाक और बिलायल हैं वो जो है पैराडाइज लास्ट की बुक फर्स्ट में आते हैं और किस बुक में आते हैं तो बुक सेकंड में भी मोलाक और बिलायल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है का द स्टोरी ऑफ सैमसंगस्ट इ टेकन फ्राम सैमसंग एगोनिस्ट की स्टोरी कहाँ से ली गई है तो ये स्टोरी जो है द बुक ऑफ जजेस से ली गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड किसने कहा है लिसी डास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट यानी यह बात किसने कही है कि लिसी डास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट ये बात जो है टेनिसन ने कही है नेक्स्ट क्वेश्चन है कदा वर्चू मे बी शेल्ड बट नेवर हर्ट बट इविल विल रिक्वाइल इट सेल्फ फेड एंड सेल्फ कंज्यूम्ड यह लाइन जो है किसके द्वारा कही गई ये लाइन जो है किस वर्क की है तो ये लाइन कामत की है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मिल्टन दैट सोनेट इन मिल्टनस हैंड यानी किसने कहा था कि जो सोनेट है मिल्टन हाँ, के हाथ में बिकेम आ ट्रम्प यानी एक ट्रम्प्ट हो गया था तो वो ये बात जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा है वर्ड्सवर्थ ने कहा है जो सॉनेट थे वो मिल्टन के हाथ में ट्रम्पट हो गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है करा स्वीट ईगो सॉन्ग अपीयर्स इन विच वर्क ऑफ मिल्टन मिल्टन के किस वर्क में स्वीट इको सॉन्ग आता है तो कॉमर्स में स्वीट इको सॉन्ग आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेवेंटी फोर इकोनिस्ट सोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इन टू इंग्लिश यानी सैमसंग इकोनिस्ट जो है वो दर्शाता है कि मिल्टन की इच्छा को कि वो जो है इंग्लिश को लाए काहे की, आ, कि द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजडीज यानी ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजडीज के जो है यह विचारधारा जो है मिल्टन अपने अर्निस्ट के द्वारा ऊपर लाना चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेवेंटी फाइव का बुक डेड मिल्टन शो एलवुड एंड सेड यानी मिल्टन ने कौन सी बुक को अपनी एलवुड को दिखाया और कहा दिस इज ओइंग टू यॉर्क दिस इज ओइंग टू यह बात मिल्टन ने जो है एलूट से कही थी कौन सी बुक को दिखाकर तो पैराडाइज रिगेंड को दिखाकर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज आप वेर ही रोट यानी उस समय उम्र क्या थी जब उन्होंने लिखा था ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी उस समय मिल्टन की जो है एज क्या थी तो ट्वेंटी वन यानी ट्वेंटी वन ईयर्स उस समय मिल्टन की एज

माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब डेट यानी जो सेटन के फाल का जो है जो सबसे उपयुक्त कारण जो है वो क्या हो सकता है तो वो उसका घमंड था यानी प्राइड नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एट्टी का है अ डिग्रेशन इन लिसीडास अटैक्स द क्लर्जी यानी लिसीडास में जो है जो डिग्रेशन है वो किस पर अटैक करती है तो क्लर्जी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबियाथन इस्माइल लेवियाथन शिमली इन पैराडाइज लास्ट फोर टेल्स यानी जो लेवियाथन शिमली है वो पैराडाइज लास्ट में क्या फोर टेल्स कहता है यानी क्या भविष्यवाणी करता है तो द डेंजर ऑफ सस्पेक्टेड इविल नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वाज मिल्टन ऑफ एजुकेशन पब्लिश मिल्टन की ऑफ एजुकेशन कब पब्लिश हुई थी तो सिक्सटीन में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन है कहता Salma, है मिल्टंस डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल अगेंस्ट सियस वाज रिटन यानी ये वर्क है डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल अगेंस्ट सेलमासियस तो ये जो है किस भाषा में लिखा हुआ है तो ये जो है लैटिन भाषा में लिखा है आगे बढ़ते हैं कहता है क्वेश्चन नंबर टू एट्टी फोर कहता हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ फॉर हिज फॉर यह जो है लाइन कहाँ से आई है हु हैम्स बाई फोरकम बट हाफ हिज फॉर तो ये लाइन पैराडाइज लास्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एट्टी फाइव कह पैराडाइज लास्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस यानी फ्री विल और डिवाइन जस्टिस के बारे में मिल्टन जो है पैराडाइज लास्ट की किस बुक में डिस्कस करते हैं तो बुक थर्ड में नेक्स्ट है लाउडेमिया जो लाउडेमिया है इस बेस्ड ऑन अ ग्रीक मिथ लाउडेमिया जो है वो एक ग्रीक ग्रीक मिथ पर जो है बेस्ड है इसका सोर्स क्या है लाउडेमिया का सोर्स क्या है तो लाउडेमिया का सोर्स है वर्जिन्स वर्जिल्स इन यार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ इज अ पोएम ये एक पोएम है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ ये एक पोएम है ये किसकी पोएम है तो जॉन मिल्टन की पोएम है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कोटेशन है कर दे हु स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ डायरेक्ट दियर स्पीच हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट आर वांटिंग सच एक्सेस इन अ प्राइवेट कंडीशन यह लाइन कहाँ से ली गई है तो लाइन एरो से ली गई है यानी एरोपेजिटिका से लाइन आई है आगे बढ़ते हैं तो लुसीफर लुसफर जो है इस सैटन ने, सैटन का नाम जो है था बिफोर हिज फॉल उसके पहले जो है फाल के पहले यानी साइटन की जो है जब फाल हुई उसके पहले उसका नाम लुसीफर था वाट डज द वर्ड लूसीफर मीन लूसीफर वर्ड का मतलब क्या होता है तो लूसीफर वर्ड का मतलब होता है बियर ऑफ लाइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नाइंटी कद ए एरियल इज आ रिबल एंजिल रेबल एंजिल इन विच वर्क एरियल जो है एक रिबल एंजिल वह किस वर्क में है तो पैराडाइज लास्ट में जो है जो एरियल है वो एक रेबल एंजल दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं टू नाइंटी वन का दर्कट्स आ पास्टोरल इंटरटेनमेंट रिटर्न इन ऑनर ऑफ एलिस काउंटेस ऑफ डरबी इट यानी आर्केट्स जो है जो कि एक पास्टोरल इंटरटेनमेंट है यह जो है एलिस के आनर में लिखा गया था और एलिस जो है काउंटेस ऑफ डरबी थी तो यह जो है आर्केट्स किसने लिखा था तो जॉन मिल्टन ने लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन है कहते हैं फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नॉबल माइंड फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नॉबल माइंड कहता है इन विच पोएम आम मिल्टन डज दिस लाइन आकर मिल्टन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है तो लिसी डास की पोएम है लिसी डाट से जो है ली गई है और लिस जो है वो 1637 में आई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 कहता है इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर भीच ऑफ किट्स इज मॉडल्ड ऑन पैराडाइज लास्ट यानी स्टाइल और स्ट्रक्चर के आधार पर जॉन कीट्स की कौन सी पोएम जो है पैराडाइज लास्ट पर जो है मॉडल्ड है तो पोएम का नाम है हाइपीरियन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन है वाइजेस्ट मैन वाइजेस्ट मैन वाइजेस्ट मैन हैव इरेड एंड बाय बैड वोमेन बीन डिसीव्ड यह लाइन कहां से ली गई है तो लाइन सैमसंग इकोनिस्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है प्रोल्यूजन्स वाज रिटन बाय प्रोल्यूजन्स जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया था तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंट कहता है एक्सीडेंट्स एक्सीडेंस कॉमेंट ग्रामर एक्सीडेंस कॉमेंट ग्रामर यह जो है 1669 में एक बुक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी तो जॉन मिल्टन के द्वारा यानी एक्सीडेंस कॉमेंस्ट ग्रामर यह जो है 1669 में बुक आई थी जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कोटेशन है कर आई वॉज बॉर्न इन लंदन ऑफ एन ऑनेस्ट फैमिली आई हार्डली इवन लेफ्ट माई स्टडीज आर वेंट टू बेड बिफोर मिड नाइट ये बात मिल्टन ने कही है और कहाँ पर कही है किस वर्क में तो मिल्टन ने सिकेंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल में ये बात कही है नेक्स्ट क्वेश्चन है करा है इट इज अ अन्वेंसन टू बिगिन एन इपिक इन मीडियास रेस ज मिल्टन डज इन पैराडाइज लास्ट व्हाट डज इट मीन यानी इन मीडिया का मतलब क्या होता है कहने का मतलब ये है तो इन मीडिया का मतलब होता है इन टू द मिडिल ऑफ थिंग्स नेक्स्ट आगे कोटेशन है करें ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स कोटेशन है ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स हैर आइज इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव यह लाइन जो है कहाँ से ली गई है तो पैराडाइज लास्ट की बुक एट से लाइन ली गई है दोबारा सुन लीजिए ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स हैवन इन हर आईज इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव यह लाइन जो है पैराडाइज लास्ट बुक एट से ली गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड कोटेशन है टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेथ यह लाइन कहाँ से ली गई है यानी लाइन है to live a half life dead. लिविंग डेथ ये लाइन कहाँ से ली गई है तो ये लाइन सैमसंगस्ट से की है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो है यह सिक्स वीडियो जो है कंप्लीट किया है जॉन मिल्टन का इसके पहले हमने फाइव वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं यह सिक्स वीडियो था जिसमें आपके टू फिफ्टी वन से थ्री हंड्रेड तक वर्ल्ड नाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे और हम जो है जल्दी से जल्दी एक मास्टर वीडियो जॉन मिल्टन का लेकर आएंगे जिसमें आपको मिल्टन से संबंधित कम से कम फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी जो है वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो हमारा बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या वीडियो के में जो है सुधार किए जा सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन रहे जय हिंद